हेलो गाइस, मेरा नाम दिलीप सराफ और आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी के लिए जो लोग की पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे हैं और एक एडवोकेट के रूप में अपना करियर बना सकते हैं, बनाना चाह रहे हैं और उनके मन में ये चलते रहता है कि मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं तो क्या मैं एक लॉयर बन सकता हूँ, एक एडवोकेट बन सकता हूँ, एलएलबी की पढ़ाई कर सकता हूँ। आज आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। बस आपको बने रहना है मेरे इस वीडियो के साथ, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आप मिस करेंगे तो आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे कि क्या जो भारतीय संविधान की जो अनुच्छेद है वो क्या कहती है और किस स्टेट वाइज क्या फैसिलिटीज उसमें प्रोवाइड कराई गई है, वो सारी जानकारियाँ मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो बिल्कुल भी मत मिस कीजिए और इस वीडियो का लाभ उठाइए और बेफिक्र होकर आप लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं और कीजिए, क्योंकि आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। मुझे बहुत सारे के स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे, उन सब के लिए भी मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे और तक इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि सभी लोग इसके बारे में अवगत हो सके और इस वीडियो का की जानकारी के माध्यम से अच्छी ढंग से पढ़ाई कर सके और अपने कैरियर के और फ्यूचर सेट कर सके। तो दोस्तों, बिना समय गवाए अब मैं टॉपिक पे बात करने वाला हूँ और इस वीडियो को आगे बढ़ाने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे इस पूरे वीडियो के साथ। अगर आप इस वीडियो को मिस करेंगे तो आप पूरी बातों को अच्छी ढंग से समझ नहीं पाएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप बिना स्किप किए हुए इस पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे और इस पूरी बात को अच्छी ढंग से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 348 का वन क्या कहता है, यानी कि 348 का वन में ऐसा बताया गया है कि जितने सारे हाई कोर्ट्स हैं, उच्च न्यायालय हैं, जितने सारे स्टेट के उच्च न्यायालय हैं और जो उच्चतम न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उसमें जो प्राधिकृत भाषा है वो है अंग्रेजी, उसके अलावा कोई दूसरा भाषा उसमें उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऐसा बताया गया है कि जो संसद विधि द्वारा अगर कुछ ऐसा उसमें उपबंध नहीं किया गया है तो आप दूसरी भाषा को उपयोग में नहीं ला सकते हैं, और ऐसा अगर कोई संसद में जाके कुछ ऐसा लॉ बन जाता है तो आप उसको यूज कर पाएंगे, लेकिन अभी तक बना नहीं है दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो उसमें उपबंध किया गया है कि अंग्रेजी भाषा उसमें अलाउ करना है, तो ठीक अनुच्छेद 348 के नीचे 348 सबसेक्शन 2 में ऐसा बताया गया है कि अगर आपके जो राज्य है उस राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उस क्षेत्र के जो हिंदी हो या फिर जो भी क्षेत्र उस राज्य के राजकीय भाषा होता है उसको राष्ट्रपति की अनुमति से उसमें लागू किया जा सकता है। और वही चीज एक बताया गया है इसमें राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 में कि राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से जो भी न्याय प्रणाली है उसमें जो भी कार्रवाई है, जो भी ऑर्डर है, जो भी आदेश है, वो सब हिंदी या फिर राज्य की राजकीय भाषा जो प्राधिकृत की गई है उस राज्य के लिए उसको उसकी अनुमति से आप उसमें लागू कर सकते हैं। और इसी के तहत बिहार मतलब पूरे इंडिया के जो 3 ऐसे स्टेट हैं जिसमें इसको हिंदी को प्राधिकृत किया गया है कि आप हिंदी में उसकी कार्रवाई को पूरा कर सकते हैं, वो 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो वो पहला स्टेट है उत्तर प्रदेश, दूसरा स्टेट है बिहार और तीसरा स्टेट है मध्य प्रदेश। इनमें जो भाषाएं हैं वो हिंदी को प्राधिकृत किया गया है, उसमें इंग्लिश भी यूज होती है और हिंदी को भी आप व्यवहार में ला सकते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग कुछ और स्टेट्स ने इसके लिए अपना पक्ष रखा था कि हमारे जो स्टेट्स हैं जैसे कि मद्रास हाई कोर्ट में तमिल भाषा के लिए अनुमति चाह रहे थे, गुजरात में गुजरात के जो हाई कोर्ट्स हैं उसके लिए गुजराती भाषा के लिए अनुमति मांगा गया था, और उसके बाद छत्तीसगढ़ के लिए हिंदी के लिए अनुमति मांगा गया था, लेकिन ऐसा उनको अनुमति कुछ विशेष मिला नहीं। तो अगर आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के स्टूडेंट्स हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदी जानते हैं और इंग्लिश कोई बहुत बड़ा लैंग्वेज है, इसको भी आप डेली लैंग्वेज के रूटीन्स के अनुसार अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आने लगती है और आप एक अच्छे अंग्रेजी के जानकार हो जाएंगे और आप एक अच्छे एडवोकेट भी बन सकते हैं, इसीलिए घबराने की बात नहीं है। और आप अगर हिंदी में भी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, और आप अंग्रेजी में भी लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी अगर नहीं अंग्रेजी अगर नहीं आता है तो आप हिंदी में भी लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं और एक अच्छे एडवोकेट बन सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं अपने जो भी मुझ तक जो भी जानकारी इकट्ठा हुआ मैं आपको समझाने का प्रयास किया और आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। और अधिक जानकारी के लिए मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।